जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहिंदा गांव के निवासी कमाल हुसैन की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद मरनी से सपा विधायक लकी यादव परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि सपा विधायक लकी यादव ने इस मामले में सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है। वहीं विधायक लकी यादव ने बताया कि लोहिंदा गांव में दबंगों ने पंचर मिस्त्री कमाल हुसैन की गाड़ी हटाने के बाद से नाराज होकर मारपीट की और दबंगों ने नशे में घर में घुसकर परिवार वालों को भी मारा पीटा। इस मारपीट में कमाल हुसैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। सपा विधायक लकी यादव ने कहा कि जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन हमने थाना अध्यक्ष से बात की थी। उन्होंने बताया कि जो लोग इस घटना में शामिल थे पुलिस ने उन चार लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग परिवार के सदस्यों को धमकी भी दे रहे हैं। वहीं सपा विधायक लकी यादव ने कहा कि इस बात को पट्टी के विधायक और केरिकात के विधायक सभी लोग मिलकर सदन में उठाएंगे। सपा विधायक लकी यादव ने कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर इस मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं प्रमुख सचिव गृह से लेकर सभापति महोदय तक इस केस से अवगत कराएंगे। जो लोग परिवार को धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं लकी यादव ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा है कि हम इसका मुद्दा सदन में उठाएंगे।